हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द चैनल किरण राज। देख रहे हैं चैनल को। गाइस, तुम्हें बता दूं कि जो मैंने लास्ट अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको सिंस 41 डेज पहले अपलोड किया था मैंने। तो उसके बाद आज तक मेरी चैनल में कभी 30 दिन के ऊपर नहीं हुआ है, मैंने अपलोड एक भी नहीं किया। बट अभी क्वारंटाइन जो चल रहा है, अभी फ़िलहाल घर पर ही है, तो कुछ भी कंटेंट नहीं है। फैमिली के साथ पूरा टाइम दे रहे हैं और सिर्फ इंस्टाग्राम, सोने खाने पीने के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो गाइस, बता दूं मैं आपको कि अभी टाइम है कि हमने अपने को जो है वो घर पे रह के अपने देश को बचाना है, कोरोना से लड़ना है। तो गाइज, आई होप आप सभी लोग भी अभी घर पे ही होंगे। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो होना वाला है कंप्लीट इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के कुछ ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि 4-5 हो सकती है, मे बी 6। तो वो गाइज बता दूं, मैंने पर्सनली उसको यूज़ किया है इंस्टाग्राम के ऊपर। उसमें ट्रिक्स रहेगी, उसमें एक रहेगी कि जो आपके फॉलोअर जो है वो बढ़ा सकते हो बिना कहीं पे भी आपका आईडी पासवर्ड दिए हुए। और मैंने खुद इसको यूज़ किया और अपना अकाउंट भी ब्लॉक नहीं हुआ है। अदरवाइज़ आप अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो उसमें आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होने की शक्यता बढ़ जाती है। उसमें जो फेक कोई भी आपका जो फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे, जो भी एक्टिव रहेंगे वही बढ़ेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके आजू बाजू में कोई अगर इंस्टाग्राम यूज़ करता है और उसको फॉलो करना चाहते हो आप, तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपकी जो स्टोरी है उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों तक कैसे आप पहुंचा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। चलिए शुरू कर दें। ओके गाइस, तो फर्स्ट ट्रिक ये है अपनी कि जो आप सिनेमेटिक शॉर्ट्स खुद डाल सकते हो, अपनी स्टोरी भी या फिर पोस्ट कर सकते हो। मेरे साथ अपना बंदा है कि अपना फ्रेंड मयूर, जो कि पीछे खड़ा है कैमरा के पीछे। तो कुछ सिनेमेटिक शॉट यहाँ पे लेंगे हम और उसको बताएंगे आपको, मतलब इन शॉर्ट आपको जो सिनेमेटिक शॉट्स कुछ डालने हैं, जो कि मैं अभी आपको यहाँ से लेके बताऊंगा। ये पानी हम डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये बंदा है कैमरा के पीछे मयूर अपना, जय अम्बे। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ शॉट्स लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कैसे ये वर्क करता है, मतलब कैसे आप इसको एडिट करके डाल सकते हो सिंपली। तो आप सिनेमेटिक शॉट इन्जॉय कीजिए। ओके गाइस, तो ये ट्रिक वन थी जिसमें कि आप अपना जो सिनेमेटिक शॉर्ट्स जो है वो डाल के उसमें अच्छे से हैशटैग का यूज़ करके आप अपने जो वीडियो है इसको ऊपर ला सकते हो और आपके फॉलोअर जो है वो बढ़ा सकते हो। थैंक टू मयूर भाई जिसने कि सपोर्ट किया मुझे इस वीडियो में सिनेमेटिक शॉर्ट लेने के लिए। ओके गाइस, ये नेचर की आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है, आपको शायद पसंद आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी। ओके गाइस, नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं कि आपका जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में ट्रेंडिंग हैशटैग है उसका यूज़ करके आप अपने फॉलोअर्स जो इंक्रीज़ कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वो आई नो कि वो रेयर केस में ही वो वर्क करता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हेल्प करता है आपकी जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये भी ट्रिक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कुछ जो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो गाइज, आप गूगल भी कर सकते हो जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग अभी कौन से है, वो जो रिसेंटली जो चल रहे हैं वो आप गूगल पे सर्च करके उसको डाल सकते हो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे। उससे भी आपके फॉलोअर जो है वो इंक्रीज अप कर सकते हो। और नेक्स्ट ट्रिक आपको बताते हैं प्लेस चेंज करके। ओके गाइस, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है। और बता दूं गाइस कि उसमें मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स जो है वो बढ़े हैं। उसमें प्लस पॉइंट है कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक नहीं होगा, और आप चाहो जहां से भी आपको फॉलोअर्स बढ़ाना चाहो, जिस भी प्लेस से, वहां से आप अपने फॉलोअर्स जो है इसको बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना जो इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन करते हो वहाँ पर आपको होम का ऑप्शन मिलेगा जो लेफ़्ट कॉर्नर पे, उसके बाजू में सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ऊपर सर्च दिखता है वहाँ पे क्लिक करना है। और राइट साइड में ऊपर फोर्थ आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेसेस का, प्लेसेस के ऊपर क्लिक करोगे वहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी प्लेस आप सर्च करना चाहो, जहाँ से भी आपको फॉलोवर्स चाहिए। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मान लो कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद का कोई भी एरिया जैसे कि सैटेलाइट, तो आप सैटेलाइट अहमदाबाद डालोगे वहाँ पर आपको सैटेलाइट पहला ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रिसेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद जो रिसेंट पोस्ट हुए होएगी
जो सैटेलाइट एरिया है वहाँ से वो सारी आपको दिखेगी, रिसेंट उसकी पोस्ट होगी, और उसका अकाउंट प्राइवेट है तो वहाँ पे नहीं दिखेगा, शो नहीं करेगा, तो सारे जो ओपन अकाउंट है वही दिखेंगे आपको। उसका अकाउंट ओपन करना है और देखना है वहाँ पे उसके फॉलोअर्स कितने हैं और उसने फॉलो कितने किए, वो देखने के बाद आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको फॉलो बैक देगा कि नहीं। 99% चांसेस है अगर आप फॉलो उनको करोगे तो वो आपको फॉलो बैक करेगा। तो आप करके ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके लिए। ओके गाइस, जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ट्रिक तो नहीं है बेसिकली, बट अगर आप चाहते हो कि आप कोई स्टोरी डाल रहे हो वो आपकी जो क्रश है या फिर आपकी एक्स है या फिर आपकी नेक्स्ट है वो देखे बिना उसको पता चले, तो आप ये कर सकते हो। या फिर अगर उसने कोई पोस्ट की है, पोस्ट तो नहीं स्टोरी अगर उसने डाली है और आप चाहते हो कि उसकी स्टोरी आप देखो और उसके मालूम भी ना पड़े, तो दोनों ट्रिक आप कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगर गाइज आप चाहते हो कि आपको स्टोरी उनकी दिखे और अलग से उसको नोटिफिकेशन जाए कि आपने स्टोरी डाली है और उसको उसको देखना ही पड़ेगा 110%, तो उसके लिए आपको उसको स्टोरी भी टैग करना है, आपको उसको टैग करना है आपकी स्टोरी भी अगर आप चाहते हो कि वो आपकी स्टोरी देखे तो। बट टैग करना है वो सिंपली ऐसे ही टैग नहीं करना है, आपको उसमें भी एक ट्रिक करनी है। जैसे कि मान लो कि ये आपका जो स्टोरी है वो है, आप तो दो चीज़ कर सकते हो, या फिर उसको जो टैग कर रहा हो उसको आपका नेम है जो उसको एकदम छोटा करना है, एकदम छोटा कर दोगे तो मे बी जो इंस्टाग्राम है उसको कुछ गलत मानता है तो उसके वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है, मे बी कंफर्म नहीं है बट हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप जो नॉर्मली जो भी साइज़ रहती है उसे में आप उसको छुपा दो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कलर दिख रहा हो, कलर जैसे कि मान लो कि ये स्टोरी है, इसके ऊपर आपका ये यूज़र नेम है, मेरा ही है, मान लो मेरा ही यूज़र नेम है, इसको आपको ट्रिक करके ऐसे छुपा देना है जिससे कि आपका जो नेम है वो दिखे नहीं, और ऐसे वो टैग भी हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस भी नहीं है, और वो पर्सन जो रहेगा वो आपकी स्टोरी भी देख लेगा। या फिर आप अगर जानते हो, अगर आप चाहते हो कि उसकी जो आपकी एक्स या फिर गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी हो, कोई भी बंदा बंदी, उसकी आप स्टोरी देखना चाहते हो जो कि उसने डाली है रिसेंटली, बट आप नहीं चाहते हो कि उसके अंदर आपका व्यूज़ जाए कि आपने उसकी स्टोरी देखी है ऐसा, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको पहले लोड कर लेनी है सारी जो स्टोरीज रिसेंट रहेगी वो इंस्टाग्राम पे। उसके बाद आपको करना है इंस्टाग्राम को क्लोज, रिसेंट में यदि क्लोज़ कर देना है उसको एप्लीकेशन में से, और उसके बाद आपका इंटरनेट जो है उसको बंद करना है, फ्लाइट मोड को ऑन करना है, फिर से इंस्टाग्राम ओपन करना है, स्टोरी देखनी है, उसके बाद इंस्टाग्राम क्लोज़ करना है, रिसेंट एप्लीकेशन में से भी क्लोज़ करना है, उसके बाद आपको फिर से फ्लाइट मोड ऑफ करके जैसे आप इंटरनेट चालू करोगे आपने स्टोरी भी देख ली, वहाँ पे व्यू भी नहीं जाएगा। ये मैंने पर्सनली चेक किया है अपने फ्रेंड के फ़ोन में, तो उसमें कोई भी व्यू नहीं जाता है गाइस, तो सेफ हो आप। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो ट्रिक है वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपको मज़ा भी आएगा, आपके फ्रेंड लोगों की भी लगेगा कि अपनी जो दोस्ती है वो गहरी होगी, और उसके साथ साथ आपका इंस्टाग्राम भी बूस्ट होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर कोई भी मीम या फिर कोई भी फ़ोटोज़ हो जो कि रिलेटेबल हो अपने कोई फ्रेंड से, जैसे कि ये स्टोरी है मैंने आज सुबह डाली थी, इसमें कि दो तीन बाइक्स थे और मैं ऐसा लिखा मैंने कि इस पर मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड लोगों के साथ राइड पे जाओ, बट मेरे फ्रेंड लोगों के पास कोई भी बाइक्स नहीं है, सुपर बाइक्स नहीं है। उसके बाद मैंने 10-12 अपने फ्रेंड है उनको टैग कर दिया, तो क्या हुआ बदले में कि वो सारों ने मुझे टैग किया, उन्होंने सेम वही स्टोरी डाली और उनका ओपिनियन बताते हुए उन्होंने भी स्टोरी शेयर कर दी। तो उससे क्या होगा, जो उनके फॉलोअर्स रहेंगे उनका चांसेस है कि वो आके मेरी स्टोरीज देखें। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो गाइस। ओके गाइस, तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो टिकटॉक के बारे में जो वीडियो वायरल कैसे करते हैं उसके बारे में भी एक ब्लॉग डालूँ मैं, और मैंने ट्राई भी किया है, जो अपने ओपिनियन थे मुझे लगता था कि ऐसे ये जो टिकटॉक है वहाँ पे अपने वीडियो जो है वो वायरल हो सकते हैं, तो मैंने ट्राई किया और दो वीडियो जो है वो मैंने वायरल हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप अगर चाहते हो कि मैं वो भी वीडियोस डालूँ आपको बताऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना गाइस, और ऐसे ट्राई करते रहेंगे कि अपना जो ये क्वारंटाइन चल रहा है उसमें मैं कम से कम 5-10 वीडियोज़ डालूँ। और इसमें लग गाइस, और मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी क्वेश्चन हो
डायरेक्टली वहाँ पे भी पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।